हे गाइस, वेलकम बैक अनदर वीडियो। फिर से एक और जॉब से रिलेटेड वीडियो लेके आ चुका हूँ। आज का जॉब होने वाला है ना, सबके लिए होने वाला है, लगभग मैं सबके लिए। भाई देखो, आधार कार्ड से भी तुम्हारा जॉब लग जाएगा। टेंथ हो, ट्वेल्थ हो, ग्रेजुएशन हो, डिप्लोमा हो, आईटीआई हो, या फिर बीटेक हो, या फिर बीए हो, या फिर एनी एजुकेशन, ठीक है, एनी एजुकेशन। और एज लिमिट का भाई फंडा नहीं है, ठीक है, एज लिमिट का फंडा नहीं है इसमें। एज लिमिट पता ही नहीं चलता यार, जब भी मैंने ज्वाइन किया तब भी पूछा ही नहीं एज लिमिट, कोई पूछा ही नहीं। अब मैं कौन सी कंपनी का बात कर रहा हूँ, मैं सीधे का सीधा आपको मुद्दे पे बात करूंगा। घुमा फिरा कर बात करने का मुझे भी कोई शौक नहीं है। कंपनी पता है, बजाज इलेक्ट्रिकल के बारे में, जहाँ पे मैंने कम से कम तकरीबन यार 4 से 5 महीने काम किया है। और ठीक है, तो अभी के टाइम पे कितना सैलरी दे रहा है, किनका कितना सैलरी दे रहा है, और कौन से बेसिस पे आप लोग को रखने वाला है, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले यार, थोड़े बहुत हवा चल रही है, ठीक है, इस वजह से आप लोग को थोड़ा सा सुनने में दिक्कत आ रहा होगा, लेकिन कोई नहीं यार। आप लोग तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हाँ यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और शेयर कर दो भाई, क्योंकि आपके दोस्तों को भी जॉब लगना जरूरी है। और हाँ यार, पुणे आने के लिए ना आप लोग को क्या करना पड़ेगा, वो भी मैं लास्ट वीडियो में बताऊंगा, जिससे कि आप लोग को आसान होगा, 100% आसान होगा। बात करते हैं सीधे का सीधा यार, आप लोग को कौन से बेसिस पे रखने वाले। देखो मैं एक बात बता दूं, जितने भी सारे मतलब यार, मैंने बताया आईटीआई, डिप्लोमा, 10, 12, ये सारे के सारे ना कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ही रखने वाला है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने वाला है। अगर खाली रहा तो भाई आपको कंपनी पे रोल पे रखेगी, कैजुअल टाइप में, बीटेक वालों को, ठीक है, बीटेक वालों को। और भाई मतलब सुपरवाइजर के तौर पे रखा जाएगा, सुपरवाइजर के तौर पे रखा जाएगा अगर पोस्ट रहा तो। लेकिन फिर भी बीटेक वालों को ना अच्छा सा अच्छा, मतलब लगभग में अच्छा पोस्ट आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। और डिप्लोमा वाले, आईटीआई वाले, 10, 12 जो भी कोई है, सारे के सारे आप लोग को लाइन में काम करना पड़ेगा। अगर क्वालिटी में खाली रहा तो डिप्लोमा वालों को क्वालिटी में लिया जाएगा, अदरवाइज सारे के सारे लाइन में खाली रहेगा, ठीक है। और ये जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में ज़्यादातर रखते यार हम लोग को, जैसे हो गया डिप्लोमा, आईटीआई, 10, 12, एनी, ठीक है, एनी क्वालिफिकेशन सबको, जितने भी सारे हैं ना, ये सब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखने वाले हैं। बात करते हैं यार कॉन्ट्रैक्ट कितने सारे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे मैंने तीन चार कॉन्ट्रैक्टर को जाता हूँ। पहला अधिराज, ठीक है, उस कंपनी का जो सबसे, उस कंपनी का क्या यार, जितने भी सारे मैं जहाँ तक अभी तक देखा हूँ, सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर मेरे ख्याल से, मेरे नज़र में, और लगभग में अच्छा है अधिराज का, ठीक है। आप लोग को पता ही होगा अधिराज कॉन्ट्रैक्टर कितना बड़ा है, हर कंपनी में उसका कॉन्ट्रैक्ट चलता है, हर कंपनी में, कोई भी कंपनी में, हमारे कंपनी में भी उनका जो होता है ना कॉन्ट्रैक्ट चलता है। दूसरा हो गया माइक्रोन भी ठीक ठाक है। तीसरा हो गया श्री सेवा, ठीक है, चौथा हो गया श्रीनिवास। इसके अलावा भी और भी कॉन्ट्रैक्ट चलता होगा, तो मुझे पता नहीं है बजाज इलेक्ट्रिक के बारे में, क्योंकि यार सारे कॉन्ट्रैक्टर का मैंने तो पूछ पाछ के मैंने थोड़ी ना लगाया यार, मैं था दूसरे कॉन्ट्रैक्टर में। तो मैं आप लोग को सजेस्ट करूंगा, अगर आप भी बजाज इलेक्ट्रिकल में जाओगे तो यार मैं एक ही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग ना अधिराज पे जाना। अधिराज पे दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के मुकाबले अधिराज ना बढ़िया है, और पैसे मतलब समझ रहे हो ना, इधर उधर होगा ही नहीं, ठीक है। अब 1500 होगा पता नहीं, लेकिन होगा ही नहीं, जल्दी होता नहीं है उस पर। अगर होगा भी, ठीक है, अगर होता भी है इधर उधर पैसे, तो आप उसका कंप्लेंट भी कर सकते हो। चाकन में उसका मेन ऑफिस है और बहुत ही बड़ा, लोग कहते हैं, मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो उनके है लोग कहते हैं, जो ज्वाइन हुए हैं, जो कंप्लेंट कर चुके हैं, उनका जो है ना ऑफिस चाकन में है, बहुत ही बड़ा है, चाकन मेन चौक में शायद, हाँ चाकन चौक में है। अब बात करते हैं सैलरी की, सैलरी कितने देने वाली है। तो मैं सीधा का सीधा भाई पॉइंट पे पॉइंट मुद्दे पे आता हूँ। जितने भी सारे डिप्लोमा से लेकर इधर है, जितने भी सारे डिप्लोमा से इधर है, ठीक है, एनी क्वालिफिकेशन भाई 12 घंटे वहाँ पे चलता है, जनरली दो ही शिफ्ट चलता है, ये और भी, ठीक है, 12-12 घंटे का शिफ्ट चलता है, नाइट को शायद 11 घंटे का रहता है, ठीक है। उस उन पे डिपेंड करता है कि यार कैसा लोड रहा, अगर लोड रहा तो 8 घंटे, लोड नहीं रहा तो 8 घंटे, लोड रहा तो 9 घंटे, 10 घंटे, 11 घंटे, ऐसा काम चलता है, ठीक है। तो भाई बात करते हैं सैलरी का, तो जितने भी सारे है कॉन्ट्रैक्ट वालों का भाई, कट वट के कैंटीन वैंटीन पीएफ जो भी है सारा कट वट के 26 दिन का, ठीक है, बढ़ा नहीं है, मैं पहले का सैलरी बता रहा हूँ, बढ़ा होगा तो पता नहीं, लेकिन अभी तक तो बढ़ाया नहीं है भाई, 18,000 समथिंग आने वाला है, 18,500 आने वाला है। और डिप्लोमा वालों का सेम आ जाएगा, मेरे ख्याल से सेम आएगा अगर देंगे तो, क्योंकि डिप्लोमा वालों का ना ओटी ज़्यादा है, ठीक है, 75 रुपये या फिर 69 रुपये कुछ ऐसा करके ओटी है। अगर उतना जितना बोला जाएगा, अगर उतना दे दिया जाएगा तो 100% है डिप्लोमा वालों का जो है ना सैलरी 21-22 हज़ार तक आएगा, क्योंकि डिप्लोमा वालों का सैलरी जो है ना 8 घंटे का 14 हज़ार है, ठीक है। और आईटीआई वालों का और 10, 12 वालों का शायद 12 हज़ार, और आईटीआई वालों का 13,500 ऐसा कुछ समथिंग है। अब बात करते हैं बीटेक वालों का, बीटेक वाला ग्रेजुएशन वालों का 8 घंटे का 15,000 है। अब ओटी भी उस हिसाब से 5 रुपये 6 रुपये ऐसा कुछ करके बढ़ के आप लोगों को मिलने वाला है। मतलब यार मैं सब कुछ काट बाट के यार, मतलब कितना भी माइनस वाइनस करके बताया जाए तो 20-21 हज़ार आप लोगों का
12 घंटे में 11 घंटे में आप लोगों को देखने को मिल जाएगा पीएफ कटिंग वटिंग हो गए, ठीक है। और वहाँ पे अप्रेंटिसशिप भी चलता है, अप्रेंटिसशिप में पीएफ वीएफ नहीं कटता है। और हाँ, एक गुड न्यूज है कि जितने भी सारे बजाज इलेक्ट्रिकल में कॉन्ट्रैक्टर है मेरे पास सबके नंबर है, लगभग मैं चार में से तीन नंबर है, तीन में से मैं तीनों का दे दूंगा, जिसमें अच्छा लगे जिसमें आपको पटे भाई उसमें आप लोग काम कर लेना। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ कि कुछ कुछ कॉन्ट्रैक्टर है वहाँ पे जो 1500 का मतलब यार कॉन्ट्रैक्टर नहीं करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर को मैंने पूछा भी तो वो नहीं करते, बोलते हैं एचआर से बात करो। अब एचआर जाहिर सी बात है सर्टिफिकेट ले लेते हैं, सबका ज्वाइनिंग कर लेते हैं, लेकिन जो डिप्लोमा वालों का ना डिप्लोमा वालों को वहाँ पे ऐड नहीं करता। ये मैंने खुद देखा है, मैंने रियलाइज करा है, डिप्लोमा वालों को ऐड नहीं करता। जैसे आईटीआई, जैसे आपने आईटीआई किया ठीक है, तो वहाँ पे आपका जो सर्टिफिकेट है ना आईटीआई अटैच नहीं किया, 10-12 डाल दिया, तो उसी में से सैलरी थोड़ा बहुत माइनस हो जाता है, ठीक है। तो आप लोग देख लेना, जो भी आप लोग को अच्छा लगेगा आप लोग कर लेना। मैं सारे के सारे नंबर दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, नहीं सॉरी यार मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना, वहाँ पे मिल जाएगा। और मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, लेकिन हाँ जॉब मेरे पास बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, वीडियो बना ही नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यार छोड़ जाने दो, लेकिन हाँ वीडियो आएंगे, ठीक है। तो फटाफट जाओ टेलीग्राम ज्वाइन कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। अब बात करते हैं सीधा के सीधा कि मतलब पुणे आना कैसे है। मैं पहले बता रहा हूँ भाई पुणे आना कैसे है। आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट करना पुणे आना, या फिर वीडियो पे कमेंट करना, किसी भाई से बात करना, कोई भाई तीन चार लोग मिल गया होगे ना, तीन चार लोग मिल के आओगे तो 100% एक दिन के अंदर यार आप लोग का रूम मिल जाएगा, ठीक है। रूम मिल जाएगा 1-2 किलोमीटर के अंदर में रूम ले लेना, और रूम लेने के बाद आप लोग कंपनी कोई सा भी लग जाओगे भाई, सबसे बड़ा मेन बात है कि आप यहाँ पे आओगे तो 100% गारंटी विथ प्रूफ के साथ भाई 2 दिन के अंदर कोई भी कंपनी में ज्वाइन ले लोगे, और सारी की सारी सैलरी 12 घंटे का 18,000 से प्लस ही है। 18,000 से पहले इसी मतलब यार जितना तुम मेहनत करोगे उतना पैसे कमाओगे, ऐसा कुछ ही नहीं हो रखा है। तो यार मैंने बता दिया बजाज इलेक्ट्रिकल के बारे में, आप लोग देख लेना, जो भी सीन रहेगा आप लोग जानी मानी कर लेना। मेरे पास और भी है ठीक है, और एक मारुति सुजुकी का भी है 10-12 वालों के लिए, 10-12 वालों के लिए वो भी अच्छा खासा सैलरी। भाई मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में कि कैसा मेरा फ्रेंड जो है ना काम करता है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।